नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गुजरात एजुकेटर चैनल। मैं हूं संदीप पांडे और आज स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चलिए पहली स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। आज है इंडियन इकोनॉमी का पार्ट थ्री। आज पार्ट थ्री में देखेंगे आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, ये रहा भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि का प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है आय विधि, ऑप्शन बी उत्पत्ति गणना विधि, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, प्लीज गिव मी आंसर इमीडिएटली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दोनों। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पे हम चले। क्वेश्चन नंबर 52, भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है। ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। व्हाट इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। द राइट आंसर इज उड़ीसा। उड़ीसा सबसे गरीब राज्य है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, भारत में किस राज्य में आर्द्र कृषि होती है, यानी किसी खेती के साथ साथ पानी के छींटे पड़ते हैं, कौन सा राज्य है। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन सी बिहार एंड ऑप्शन डी गुजरात। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए केरला। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारत में कौन से दो राज्य खनिज तेल के लिए अग्रणी उत्पादक हैं। ऑप्शन ए है राजस्थान एवं गुजरात, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र गोवा, ऑप्शन सी उड़ीसा एवं बिहार, ऑप्शन डी है असम एवं गुजरात। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, प्लीज गिव मी आंसर इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट इज द राइट आंसर। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी असम और गुजरात। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 24 दिसंबर, ऑप्शन बी 1 मार्च, ऑप्शन सी 10 अप्रैल, ऑप्शन डी 10 दिसंबर। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, प्लीज गिव मी आंसर इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 55, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए है ढाका, ऑप्शन बी जिनेवा, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी लंदन। वेयर इज द ISO's हेड ऑफिस, गिव मी आंसर इमीडिएटली। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जेनेवा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 57, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए चीन, ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, टाइम स्टार्ट नाउ। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड। इंग्लैंड में उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की स्टार्टिंग हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 58, भारत में वैश्वीकरण प्रक्रिया की शुरुआत कब की गई है। ऑप्शन ए है 1991, ऑप्शन बी 1980,
ऑप्शन सी है 1992, ऑप्शन डी है 1996। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? गिव मी आंसर इमीडिएटली। गेस यू प्लीज। हेलो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1991। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। एक अर्थव्यवस्था की आधार संरचना का निर्माण होता है किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए कृषि द्वारा, ऑप्शन बी उद्योगों के द्वारा, ऑप्शन सी सेवाओं के द्वारा, ऑप्शन डी तीनों के द्वारा। व्हाट इज द राइट आंसर? गिव मी आंसर। जी हाँ, इसका राइट आंसर है सभी के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी तीनों के द्वारा। तीनों के बिना, एक के भी बिना संभव नहीं है, इसलिए तीनों की तीनों जरूरत पड़ती है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा है एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है? ऑप्शन ए है आपके पास पटना, ऑप्शन बी है कानपुर, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी दिल्ली। व्हाट इज द ओल्डेस्ट शेयर मार्केट इन एशिया? द राइट आंसर, व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? जी गिव मी आंसर। या इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मुंबई। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। सहकारी नियोजन समिति का गठन किसके नेतृत्व में किया गया है? ऑप्शन ए आरजी सरिया, ऑप्शन डी मैकलेगन, ऑप्शन सी होरेश, ऑप्शन डी चेम्सफोर्ड। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? गिव मी आंसर प्लीज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आरसी सरिया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। किसने कहा था कि कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान है? ऑप्शन ए है केन्स, प्रोफेसर केन्स, ऑप्शन सी मार्शल, ऑप्शन सी पीगो, ऑप्शन डी है क्राउथर। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इमीडिएटली गिव मी आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रोफेसर केन्स। प्रोफेसर केन्स ने कहा था कि कर्ज जमा के संतान है और जमा कर्ज के संतान है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? ऑप्शन ए है माध्यम, ऑप्शन बी मापन, ऑप्शन सी भुगतान, ऑप्शन डी लेखन एवं संपादन। मुद्रा से संबंधित कौन नहीं है बताइए? क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर क्या होगा? हाँ तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी लेखन एवं संपादन मुद्रा का कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए है 1950, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1948, ऑप्शन डी 1960। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? गिव मी आंसर इमीडिएटली। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1949 को हुआ था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। तीसा के भयानक आर्थिक मंदी से उबारने के लिए किसने सुझाव दिया था? ऑप्शन ए है प्रोफेसर केन्स, ऑप्शन बी माल्थस, ऑप्शन सी अमरसेन, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? हाँ तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ए प्रोफेसर केन्स। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये। लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी चाइना। व्हाट इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारत। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये। अगला क्वेश्चन है, किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना और शिक्षा एवं ज्ञान सर्वसुलभ हो गया है? ऑप्शन ए है मोबाइल फोन, ऑप्शन बी कैलकुलेटर, ऑप्शन सी कंप्यूटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? प्लीज गिव मी आंसर इमीडिएटली। हाँ तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कंप्यूटर। कंप्यूटर आने से सब जगह क्रांति आई है हर चीज में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे ये। पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? ऑप्शन ए है प्रोफेसर अमर सेन, ऑप्शन बी महबूब उल हक ने, ऑप्शन डी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? गिव मी आंसर। 68।
सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महबूल उल हक ने सबसे पहला राष्ट्रीय सूचकांक तैयार किया था। अगले क्वेश्चन की ओर चढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है, भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन करने वाली कौन सी बॉडी भैया? ऑप्शन ए है NSE, ऑप्शन बी सेबी, ऑप्शन सी RBI, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? यस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सेबी। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कैसा होता है? अक्टूबर से सितंबर चलता है, अप्रैल से मार्च चलता है, जून से जुलाई चलता है, जुलाई से जून चलता है, इनमें से कोई नहीं चलता है। 70 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा? जी हाँ, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अप्रैल से मार्च, यानी 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को खत्म होता है, ये महीना होता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, भारत में करेंसी कौन जारी करता है? ऑप्शन ए शहरी विकास बैंक, ऑप्शन सी बी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी वित्त सचिव। कौन जारी करता है भाई नोट, कौन जारी करता है नोट के ऊपर क्या नाम लिखा रहता है, जल्दी से बताइए। जी हाँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रिजर्व बैंक RBI सारे नोट जारी करता है, 1 रुपए के छोड़ को, 1 रुपए का नोट सारे सिक्के वित्त मंत्रालय जारी करता है, बाकी 1-2 रुपए से लेकर सारे नोट जितने भी करेंसी है भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है, कैसी होती है? ऑप्शन ए मुद्रास्फीति होती है, ऑप्शन बी अति उत्पादन होता है, ऑप्शन सी मंदी होती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं होती है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। जी हाँ, तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुद्रास्फीति, लगातार बढ़ती कीमतों कारण मुद्रास्फीति होती है। चले चलते अगला क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ऐसा विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो वो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए सुलभ मुद्रा, ऑप्शन बी सवर्ण मुद्रा, ऑप्शन सी गर्म मुद्रा, ऑप्शन डी दुर्लभ मुद्रा। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? गिव मी राइट आंसर। यस, सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गर्म मुद्रा। ऐसा विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो उसे गर्म मुद्रा कहते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन को, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद का सर्वाधिक योगदान देता है? कौन सा क्षेत्र देता है? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी तृतीय क्षेत्र, ऑप्शन सी द्वितीय क्षेत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। भाई बताइए, भारत के जो सकल घरेलू उत्पाद है उसका सर्वाधिक योगदान कैसा क्षेत्र है, ये बताइए। 74 नंबर क्या होगा राइट आंसर? हाँ, तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा तृतीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन को, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आर्थिक विकास की बेहतर माप कौन सी है? ऑप्शन ए है प्रयोज्य आय, ऑप्शन बी सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन सी प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन डी निवल राष्ट्रीय उत्पाद। क्या होगा इसका राइट आंसर? जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा प्रति व्यक्ति आय, यानी पर कैपिटा इनकम। किसी भी देश की आर्थिक विकास की दर पर कैपिटा इनकम की वजह से तय की जाती है। तो फ्रेंड्स, हम आज यही क्लास समाप्त करते हैं, और ये रहा हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन था, 75 नंबर। चलिए चलते हैं, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है जरूर बताइए, और लाइक भी कीजिए, और क्या कीजिए, और शेयर भी कीजिए, ठीक है? और हमारा चैनल नाम को जानते हैं जो कुछ सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, तो इसको सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, आपको नई क्लासे लाते रहेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास हम यहीं पर ब्रेक करते हैं, क्लोज करते हैं। नमस्कार।